अगर बहन भाई के अलावा, ये बच्ची ने पूछा था, रहम के रिश्ते और कौन कौन से हैं जिनसे क़त्अ ताल्लुक करने से इंसान गुनाहगार होता है। देखिए, ज़ी रहम महरम वो होते हैं जिसे जो आपके दादा दादी नाना नानी के अंदर शरीक हैं। इनमें फूफी भी आ जाएंगी, इसमें चचा भी आएंगे, इसमें खाला भी, जैसे अब खाला है, मामू हैं, सगे भाई बहन हैं, तो ये आते हैं ज़ी रहम महरम के अंदर। तो इनसे तो ज़रूर ताल्लुक़ रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई सही शरई उज़्र हो तो क़त्अ ताल्लुक़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के अकायद में बहुत गलत किस्म का फसाद पैदा हो गया, या कोई शख्स बहुत ही गुनाहों में बदनाम है, तो आप उसके साथ रहेंगे, आप भी बदनाम हो जाएंगे। या कोई फासिक व फाजिर है और आपको गुमान है कि उसके साथ रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके गुनाह की आदत हम में भी सराइयत कर जाएगी, या मेरी जौजा में या मेरे बच्चों में सराइयत कर जाएगी, तो उससे भी क़त्अ ताल्लुक़ कर सकते हैं। ऐसी बात शर्री किस्म के होते हैं जो आपकी खुशी नहीं देख सकते, वो लड़वाते हैं, चुगलियाँ करते हैं, गीबत, बाज जादू टोने में बड़े तेज़ और माहिर और मारूफ होते हैं, इस किस्म के जो चाहे ज़ी रहम महरम हो उनसे क़त्अ ताल्लुक़ करना बिल्कुल जायज़ होता है।